तो यूटी भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उत्तराखंड, यूके लिख दूं मैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, दैट इज उत्तराखंड। झारखंड, झारखंड, देन उसके बाद एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एंड नेक्स्ट इज तमिलनाडु। ठीक है बेटा, और हाँ नेक्स्ट पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले तो अपने चेक कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चों के लिए नहीं है, राजस्थान में बिहार में अभी कुछ दिनों पहले आई थी रैली, तो उन बच्चों के लिए नहीं है, एक बार अपने स्टेट चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, इधर देखो यूपी वालों, तुम बहुत दिन से कहां गए भाई, यूपी मैंने लिखा नहीं क्या? अच्छा यूपी लिखा नहीं है, लो ये लो यूपी भी लिख दिया। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश अब चेक कर लो फटाफट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, एक बार चेक कर लो फटाफट जल्दी से। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, पहले कंडीशन सुनते रहिए क्योंकि बिना कंडीशंस के रिएक्शन मत लिया करो। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर आ गई है रैली तो यूपी में एक्स और वाई दोनों के लिए है, यूपी में वाई वालों के लिए नहीं है। अब ये मत कहना सर हमसे क्या ऐसी नफरत थी। हरियाणा में नहीं है बेटा, हरियाणा वाले बच्चों के नहीं, नहीं है। कोई बात नहीं है, अभी सुनते रहो पहले फटाफट जल्दी से। स्टेट नोट कर लो, अगर आपने स्टेट नोट कर लिया हो तो मैं फिर ये बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन सी वो है, जल्दी पहले फटाफट आंसर बताओ यस और नो। आपने ये नोट कर लिया स्क्रीनशॉट, इसकी डेट सुन लो जरा मेरे बच्चों ध्यान से, 10th ऑफ दिसंबर से 19th ऑफ दिसंबर, लिखो जरा एग्जाम डेट, एग्जाम डेट 10th ऑफ दिसंबर से 19th ऑफ दिसंबर तक होगा, फटाफट लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, तो डेट नोट कर लिया होगा आपने 10 से 19 दिसंबर। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कौन से स्टेट में क्या, कौन से स्टेट में कौन से ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप की जो वैकेंसी है यानी कि एक्स ग्रुप की जो रैली भर्ती होगी वो दिल्ली वालों के लिए होगी, मतलब दिल्ली में दिल्ली वाले जो बच्चे हैं वो वाई ग्रुप के लिए नहीं दे पाएंगे, एक्स ग्रुप के लिए दे पाएंगे। और उत्तराखंड को एक्स ग्रुप में रखा गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को एक्स ग्रुप के लिए रखा गया है, और झारखंड, झारखंड को एक्स ग्रुप के लिए रखा गया है। तो यूपी में आने वाले बच्चे वाई ग्रुप वाले नहीं दे पाएंगे, मेरे जितने भी प्यारे नालायक हैं उन सभी को बाहर कर दिया है इससे। खैर टेंशन नहीं लेनी है, आपका तो पेपर गया है काफी अच्छा गया है। भले ही टफ रहा पेपर लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो देखो फिर भी आप कुछ बच्चों का तो होगा ही, और जिनका नहीं है कोई दिक्कत है वो आगे वाले के लिए तैयारी करेंगे जो आपका 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो भाई ये आपको बता दिया एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए। अब बात आती है वाई ग्रुप की, वाई ग्रुप, तो एमपी वाले बच्चों खुश हो जाओ, एमपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, मतलब नॉर्थ इंडियंस को वाई ग्रुप से बाहर रखा गया है, वाई ग्रुप को नॉर्थ इंडियंस को बाहर रखा गया है, सिर्फ एमपी मध्य प्रदेश वाले बच्चों को रखा गया है, बाकी दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड सारे बच्चे एक्स ग्रुप के लिए जाएंगे।
एक्स ग्रुप, अपनी कंडीशन सुन लो भाई, क्या क्या कंडीशन है जिन कंडीशन पे आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो एज यूजुअल 12th पास होना चाहिए, ठीक है भाई, और किसके साथ, फिजिक्स और मैथ्स। और वैसे भी अगर फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो क्या ही पेपर दोगे तुम लोग एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आ गई आपके। और हाँ जी, एक चीज और है कि 50% स्कोर होना चाहिए आपका इसमें 12th क्लास के लिए, और 50% इंग्लिश, 50% आपका इंग्लिश होना चाहिए। जिन बच्चों का 50% यानी कि 50 नंबर से कम है इंग्लिश में 12th क्लास में, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। पेपर कब होगा, कर दी ना वही बेहूदी हरकत, और मुझे पता था तुम यही करोगे। अभी तो बताया 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में, 10 से 19 के बीच में लगातार ये चलेगा। ठीक है भाई। दूसरा वाई ग्रुप वालों, आप भी सुन लो, वाई ग्रुप के लिए भी सेम है। वाई ग्रुप के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि फिजिक्स और मैथ्स होना, लेकिन वाई ग्रुप के लिए ओवरऑल 50% और इंग्लिश में 50%, ओवरऑल 50% और इंग्लिश में 50%, ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। ये वही है जैसा तुम नॉर्मली देते ही हो, उसी एग्जाम की तरह बिल्कुल। एक बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003। तो मतलब 2000 वाले बच्चों को जो प्रॉब्लम थी, अब जिन भी बच्चों को ये मौका मिला है वो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो फटाफट जल्दी से। जी हां, 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 जिन बच्चों को 11 बजे 27 नवंबर से 5 बजे 5 PM 28 नवंबर, ठीक है भाई, 2020, क्योंकि कुछ लोगों का भरोसा नहीं है इस पे भी, बोल देंगे कि सर अगले साल तो नहीं आ रही है, ठीक है। जी हां, अभी 3-4 दिन बाद में ही, तो 27 नवंबर को 11 बजे, और सुनो 5 बजे 28 नवंबर तक। 28 नवंबर में एंट्री होने की कोशिश मत करना, कभी बोलो नहीं, कुछ ऐसे बाबूजी होते हैं कि नहीं कल भर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट हैंग करने लगती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सुबह 11 बजे अपना शुरू हो जाना और बैठ जाना, और जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, हवन करते हैं, जब तक नहीं फॉर्म भरेगा तब तक हटना मत, ठीक है। तो इसीलिए ये टाइम है आपका, एग्जैक्ट लिख लो जरा, कभी बोलो कि नहीं बाद में भर लेंगे, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है इसमें, 27 नवंबर को शुरू होगा, 28 को शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा। पैटर्न क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी, कोई भी बेहुदा क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, तो तुम्हारे बेहुदे क्वेश्चन से मैं यूज्ड टू हो चुका हूं, तो मैं पहले से पहले ही आपको जवाब दे देता हूं। मेरी बात सुनो, एक्स ग्रुप में एज इट इज 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। यहां पर भी सेम 30 क्वेश्चन रागा और 20 क्वेश्चन इंग्लिश वाई ग्रुप में, ठीक है भाई, एज इट इज पेपर वन बिल्कुल एज इट इज चलेगा, ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सेकंड टेस्ट बिल्कुल सेम चलेगा, यानी कि फेज टू सेकंड सेम चलेगा बिल्कुल। उसमें भी आपको क्या क्या होगा, एसआरटी आपको पता ही है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा भैया, ये रैली साइट पर ही होंगे, ऑफलाइन होगा, लिख लो कभी फिर बाद में पूछो, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन का कोई, मैंने बताया ना तुम्हारे क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं हो सकता, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैं इसलिए पहले ही डाउट क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे, ठीक है भाई। अरे ये सब तो तुम्हें बाकी सब लोग आके बता ही रहे हैं, अब तुम स्पेशल सुनो। स्पेशल क्या है,
23 तारीख से 23 नवंबर से, और कमेंट बॉक्स में फटाफट दिल फेंक के मारो कम से कम 5000। इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो रहा है 75 मिनट्स का, 75 मिनट डेली क्लास चलेगा 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक का, इंग्लिश का रेगुलर क्लास। ये रैली, एयरफोर्स रैली स्पेशल है, एयरफोर्स, जी हाँ, आप 25 तारीख का इंतजार कर रहे थे, 25 से पहले स्टार्ट हो रहा है ये रैली एयरफोर्स का रेगुलर। हाँ, ये रेगुलर क्लास होगा, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर क्लास होगा बेटा, डेली इंग्लिश का डेली। इसके साथ साथ और डेली क्या चलेगा, वाई ग्रुप के लिए मैथ्स, वाई का मैथ्स डेली चलेगा, और क्या डेली चलेगा, एक्स के लिए फिजिक्स, एक्स के लिए फिजिक्स ये डेली चलेगा। कौन सी क्लास डेली नहीं हो पाएगी वो मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो क्लास है ना बेटा किस मोड में चलेगी मैं वो भी बता देता हूं आपको। एक्स ग्रुप का मैथ्स डेली नहीं होगा, यानी कि विपिन गौर सर की क्लास डेली नहीं होगी, और वाई ग्रुप का जीएस डेली नहीं होगा। ये डेली होगा लेकिन अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि डेली होगा, क्योंकि अभी ओपी पटेल सर यहां पे नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए अभी नहीं रेगुलर हो सकता। जैसे ही ओपी पटेल सर आ जाएंगे तो ये क्लास भी रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स ग्रुप की विपिन गौर सर क्लास लेंगे लेकिन रेगुलर नहीं लेंगे, वो आपको बीच में मिसलेनियस क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आपकी ये रेगुलर क्लास होने वाली है मंडे से, ठीक है, इंग्लिश, वाई का मैथ्स, थर्ड थर्ड थर्ड। और इस बार किसी ने भी अगर कहा कि सर रागा का मैथ्स इजी वाला करा दो, तो भाई मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैथ्स वाले सर तुम्हारा सर पीट देंगे, ये बात ध्यान रख लेना, खूब जूते बरसाएंगे वो, ध्यान रख लेना, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा है इस बात का, उन्होंने टफ पढ़ाने की कोशिश की थी, तुम नालायकों ने मना कर दिया था, तुमने बोला नहीं सर हमें आसान ही पढ़ाओ, एयरफोर्स में इतना टफ थोड़ी आता है, अब पकड़ लो टफ कितना टफ आया, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो वाई का मैथ्स है वो अच्छा पढ़ाएंगे रोशन सर, एक अच्छे लेवल 15 दिन उनके साथ पढ़ लो, 15-17 दिन टफ लेवल पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा, मतलब बेसिक भी होगा उसमें टफ भी होगा, ठीक है। एक्स ग्रुप ये मिसलिनियस क्वेश्चंस कराएंगे आपको फिजिक्स वाले सर, मैं इंग्लिश में आपको सब मिसलिनियस कराऊंगा फटाफट, ठीक है, वोकैबुलरी भी, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा इसमें कुछ, और क्वेश्चंस भी कराऊंगा ग्रामर के, यानी कि आपका जैसा आता है तुमने अब तो सारा पढ़ ही रखा है, ठीक है, उसको ही ब्रश अप कराऊंगा अच्छे से, और कुछ नए क्वेश्चंस उसमें डालूंगा, ठीक है। तो ये आप